अमेरिका में सरकारी शटडाउन और कर्ज नहीं चुका पाने के संकट का अब भी समाधान होता नहीं दिख रहा है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मंगलवार को हाउस रिपब्लिकन के एक प्रस्ताव को एक तरह की फिरौती करार देते हुए खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि अगर अमेरिका 17 अक्टूबर तक कर्ज नहीं चुका पाया तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश डिफॉल्टर घोषित हो जाएगा। उधर रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका का दर्जा घटाने की चेतावनी दी है। जापान के प्रशांत तट पर आए भयंकर तूफान विफा के कारण 17 लोग मारे गए हैं और मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। दशक के सबसे भयंकर तूफान विफा के टोक्यो के दक्षिणी भाग से गुजरने के कारण वहां बड़ी संख्या में भूस्खलन हुए जिसमें कई मकान ढह गए। तूफान के चलते ओशिमा में 51 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि तूफान से राजधानी टोक्यो और फुकुशिमा परमाणु विद्युत संयंत्र पर कोई असर नहीं पड़ा है। टोक्यो में कई विमानों की उड़ान को रद्द करने के अलावा बुलेट ट्रेन की सेवा भी स्थगित कर दी गई है और स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मध्य फिलीपींस में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 142 हो गई है। राहत एवं बचाव कर्मी फिलीपीन के लोकप्रिय पर्यटन द्वीप पर रहने वाले समुदायों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते नजर आए। कल सुबह मध्य बोहोल द्वीप में आए जबरदस्त भूकंप से पुलों, इमारतों और मकानों के ध्वस्त होने के साथ कई प्राचीन गिरजाघर भी ध्वस्त हो गए। जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई। बोहोल और आसपास के द्वीपों पर मरने वालों की संख्या बढ़कर आज दोपहर बाद तक 142 हो गई और इसके बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। न्यूजीलैंड की लेखिका एलिनोर कैटन को उनके उपन्यास द ल्यूमिनरीज के लिए वर्ष 2013 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। 28 वर्षीय कैटन बुकर पुरस्कारों के 45 साल के इतिहास में पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका हैं। द ल्यूमिनरीज 1866 के न्यूजीलैंड की कहानी है जब काफी लोग सोने की तलाश में स्वर्ण क्षेत्र आते थे।